तो कोरोना वायरस के चलते जो असर है उसके लिए तो सतर्क रहना ही, वह खुद भी एक आपदा है। अब इसी बीच में ये जो बाढ़ की स्थिति आएगी तो आ सकती है, ये कोई नहीं जानता है, तो नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएगा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सब लोगों को लगभग पूरी तैयारी है और हर तरह से आप लोग तत्पर हैं, इसलिए अच्छी बात है। और उसको लेकर के अब पिछली बार जो हम देख रहे थे कि जो बात हुई तभी हमने पूछवा लिया यहाँ पर का जो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सब में जो कोसी बाढ़ आपदा के दौरान जो वहाँ पर टेंट का उपयोग किया गया था तो हुआ गया था, तो अभी हमको बताया इन लोगों ने, हमने कहा पता कर लीजिए कि कहाँ है, तो मालूम हुआ कि है और सुरक्षित है, उसका उपयोग आप लोगों ने शायद इस बार कोई ये लॉकडाउन की स्थिति में भी किया। अब एक तरफ तो हम लोगों को कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन सेंटर भी बना करके रखना है, तो वो तो एक हुआ, और दूसरा बाढ़ से प्रभावित होंगे तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को संरक्षित करने के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा आपदा केंद्र। तो आपदा केंद्र के लिए आप लोगों ने तय कर लिया, जगह वगैरह चिन्हित कर लिया है, लेकिन इसको देखते हुए कोरोना के चलते जो हम लोगों का नियम है कि एक दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 2 गज की दूरी रहे, तो वो जो डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंस की बात है, लोगों के बीच में दूरी, तो उस तरह से अगर हम लोग इस परिस्थिति में अभी इससे मुक्ति नहीं मिली है, और मुक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो दुनिया भर में फैला हुआ है, तो बाढ़ से भी प्रभावित होंगे तो हम लोगों को बहुत ही उन लोगों को ठीक ढंग से रखना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी हमारा सेंटर बने आपदा राहत केंद्र, उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोरोना वायरस के चलते जो असर है उसके लिए तो सतर्क रहना ही, वह खुद भी एक आपदा है। अब इसी बीच में ये जो बाढ़ की स्थिति आएगी तो आ सकती है, ये कोई नहीं जानता है, तो नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएगा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सब लोगों को लगभग पूरी तैयारी है और हर तरह से आप लोग तत्पर हैं, इसलिए अच्छी बात है। और उसको लेकर के अब पिछली बार जो हम देख रहे थे कि जो बात हुई तभी हमने पूछवा लिया यहाँ पर का जो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सब में जो कोसी बाढ़ आपदा के दौरान जो वहाँ पर टेंट का उपयोग किया गया था तो हुआ गया था, तो अभी हमको बताया इन लोगों ने, हमने कहा पता कर लीजिए कि कहाँ है, तो मालूम हुआ कि है और सुरक्षित है, उसका उपयोग आप लोगों ने शायद इस बार कोई ये लॉकडाउन की स्थिति में भी किया। अब एक तरफ तो हम लोगों को कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन सेंटर भी बना करके रखना है, तो वो तो एक हुआ, और दूसरा बाढ़ से प्रभावित होंगे तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को संरक्षित करने के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा आपदा केंद्र। तो आपदा केंद्र के लिए आप लोगों ने तय कर लिया, जगह वगैरह चिन्हित कर लिया है, लेकिन इसको देखते हुए कोरोना के चलते जो हम लोगों का नियम है कि एक दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 2 गज की दूरी रहे, तो वो जो डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंस की बात है, लोगों के बीच में दूरी, तो उस तरह से अगर हम लोग इस परिस्थिति में अभी इससे मुक्ति नहीं मिली है, और मुक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो दुनिया भर में फैला हुआ है, तो बाढ़ से भी प्रभावित होंगे तो हम लोगों को बहुत ही उन लोगों को ठीक ढंग से रखना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी हमारा सेंटर बने आपदा राहत केंद्र, उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।